साथियों नमस्कार। आजकल भाई फील्ड से एक बहुत बड़ी शिकायत आप लोगों की आ रही है, और वो आ रही है कि सर हर 10 दिन से भैंस जो है वो हर 10 दिन से हीट में आ रही है, लेकिन हमने बहुत सारे जतन कर लिए उसके बावजूद गाभिन नहीं ठहर रही है। हीट में बार बार आना, और वो भी देखिए हीट का जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 21 दिन से चलता है, ये आप सभी को पता है। यानी कि एक हीट आने के बाद अगर कोई भैंस गाभिन नहीं ठहरी है तो वापस वो 21 दिन बाद हीट में आएगी या 21वें दिन हीट में आएगी। लेकिन अगर भैंस 10वें दिन ही हीट में आ जाती है तो इसकी वजह क्या है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें हम इस बारे में करने वाले हैं। देखिए जब भी कभी ऐसी शिकायत हो कि भैंस 10 दिन से ही हीट में आ रही है और हर 10 दिन से आ रही है और गाभिन नहीं ठहर रही है, वहां आपको पहली चीज ये देखनी पड़ेगी कि क्या आपने मूलभूत जो प्रिंसिपल है यानी मुख्य चीजें हैं क्या वो कवर कर ली क्या आपने। मुख्य चीजें क्या है, क्या आपने किसी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवाई, डिवॉर्मिंग करवाने के बाद क्या आपने 10 दिन तक लगातार 100 ml रोज कोई सा भी अच्छा लीवर टॉनिक दिया, वो करने के बाद क्या आप जो दाना मिश्रण दे रहे हैं वो संतुलित आहार दे रहे हैं, और उस संतुलित आहार में क्या अच्छा सा मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति कर सके, कंप्लीट विटामिन मिनरल उसमें हो, ये आप कंप्लीट कीजिए। ये पहला स्टेप है जिसको आपको करना ही पड़ेगा। इस स्टेप को किए बगैर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाई अपनी गाय भैंस को गाभिन नहीं ठहरा पाएंगे। तो ये पहला स्टेप मान लीजिए, आप कहेंगे सर ये तो मैंने कर लिया है उसके बावजूद गाभिन नहीं ठहरी, तो दूसरे स्टेप पे आइए। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है फ्रेंड कि आप अपनी भैंस के तांते देखिए कि वो तांते किस तरीके से दे रही है। अगर वो तांते साफ दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो समस्या है वो दूसरी है। लेकिन अगर तांते गंदे हैं, उनमें कभी कभी खून आता है, पीले से आ रहे हैं, वाइट पस जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब भाई समस्या ज़्यादा है। और इस समस्या के निवारण के लिए आपको कम से कम 3 दिन तक उसकी बच्चेदानी में दवा छुड़वानी पड़ेगी। लेकिन पकड़े इसको, लेकिन दवा को क्या करेंगे, दवा का आप विशेष ध्यान रखिए, दवा हमेशा ब्रांडेड होनी चाहिए। अगर आप ब्रांडेड दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भाई बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छी दवा जो बच्चेदानी में डालने के लिए बनी हुई है, जो बच्चेदानी में डालने के लिए बनी हुई होती है उस पर IU लिखा हुआ रहता है, यानी इंट्रा यूटराइन। तो इंट्रा यूटराइन कोई अच्छी सी दवा आप 3 दिन तक डलवाइए तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अमूमन ये जो प्रोसेस किया जाता है ना, तो इसी प्रोसेस से कंप्लीटली गाय भैंस जो है वो ठीक हो जाती है। और भैंसों में तो अगर कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस होता है ना, इम्बैलेंस जिसे कहते हैं, तो वो भी हो तो एक इंजेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं अजय भाई वो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख लेना कौन सा इंजेक्शन है और किस समय और कैसे लगाया जाता है, वो सारी बातें वहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इंजेक्शन हमेशा पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, ये विषय ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं अपनी प्रमुख बात पर, और प्रमुख बात यह है कि अब आप कह देंगे साहब तांते भी सही है और सारा मामला सही है, तो उसकी बच्चेदानी में कहीं ना कहीं फोलिक्यूलर सिस्ट, एक सिस्ट होती है जिसका नाम है फोलिक्यूलर सिस्ट, फोलिक्यूलर सिस्ट अगर हो गई है ना तो भी भाई समस्या होगी। फोलिकुलर सिस्ट अगर है तो 10 दिन से रिपीट होगी। फोलिकुलर सिस्ट के 2 प्रकार के इलाज किए जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं देसी इलाज, तो अगर हम देसी इलाज की बात करें तो भाई 3 ऐसी पावरफुल दवाइयां हैं जो कई बार फोलिकुलर सिस्ट पर अचूक असर करती है, और उनमें से क्या क्या है, उनमें नंबर 1 है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 2 पर है हल्दी। जी हाँ, हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 3 पर है फ्रेंड, और वो है ग्वार पाठा, यानी कि एलोवेरा। लेना कितना कितना है, रोज 10 से 15 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, 25 से 50 ग्राम आपको हल्दी लेनी है, पिसवा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और एलोवेरा जो है उसका 50 ग्राम आपको जो जेल निकलती है वो रोज लेनी है। और देना किस तरीके से है, अंकुरित अनाज में दीजिए। ये अंकुरित अनाज में अगर आप देते हैं तो गायें अगर हीट में नहीं आई है गायें भैंसे, तो वो हीट में भी आ जाती है और गाभिन भी ठहर जाती है। भैंसों के लिए ये फॉर्मूला लाजवाब है। एक बार आप 250 ग्राम गेहूं को भिगोइए, और दूसरे दिन पहले पानी में डाला, दूसरे दिन उसको कपड़े में बांधा, तीसरे दिन जब वो तैयार हो गए हैं जो ऊग से जाते हैं उस समय मगज करके, और उसमें ये जो हमारा फॉर्मूला था वो मिला दीजिए और खिला दीजिए।
दूसरे दिन फिर चने भिगोइए। इस तरीके से आपको लगातार करना पड़ेगा कम से कम 10 बार। अगर आप ये 10 बार करते हैं तो जो फोलिकुलर सिस्ट की प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली ठीक हो जाती है। अब आप कहेंगे सर ये भी कर लिया उसके बावजूद सिस्ट तैयार नहीं हुई है, तो उसके लिए फिर आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा, पशु चिकित्सक की मदद लेनी पड़ेगी। वो ये देखेंगे कि फोलिकुलर सिस्ट कितनी है, साइज क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप भी कंप्लीट ट्रीटमेंट मान लीजिए जानना चाहते हैं, जानने का हक सभी को है, तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहाँ आपको एक इनफर्टिलिटी का कोर्स मिलेगा। उस इनफर्टिलिटी के कोर्स में हमने इन सभी चीज़ों को समाहित किया है। वहाँ एक चैप्टर है फोलिकुलर सिस्ट, उसमें आप प्रवेश कर जाइए, बस आपकी सारी की सारी समस्याएं वहाँ सॉल्व हो जाएगी। या फिर आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से इलाज करवाइए, या फिर अपना जो देसी फॉर्मूला है सिस्ट को दूर करने वाला, भाई इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत सारी भैंसों पर ट्राई किया है देसी फॉर्मूला और अच्छा रिजल्ट भी मिला है, तो आप भी ले सकते हैं अच्छा सा रिजल्ट। बकरियों से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए रामावत गॉट केयर, डॉग के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट के लिए रामावत वेट्स क्लब, और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर, विजिट जरूर करें।